तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के अंदर बड़ा धमाका हो चुका है दोस्तों। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। नया लिंक एक्टिवेट हो चुका है, नया लिंक शुरू हो चुका है। उसके अंदर अब आप चाहे आपकी इनकम 1,80,000 से ऊपर हो उसका भी समाधान होगा, चाहे आपको फसल बिक्री दिखा रहा हो, किसान दिखाकर फसल बिक्री दिख रही हो, या बिजली के बिल में समस्या हो, 100-200 गज का प्लाट दिखा रहा है, आईटीआर दिखा रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्री एम्प्लॉय पेंशन या श्रमिक आपको दिखाया जा रहा है, तो दोस्तों सभी समस्याओं का समाधान एक ही ऑप्शन से अब आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। इसके सर्च बार में आपको लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा और इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो पहला ही ब्लू लिंक आ रहा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों जैसे ही आप सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहां पर एक्सक्लूजन ग्रीवेंस का एक ऑप्शन आइकन दिख रहा है। दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो ऑप्शन है आपके लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है। अब इसी में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अब दोस्तों अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी नंबर है तो यस करें, अगर आधार से सर्च करना चाहते हैं तो आप नो करें। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर फैमिली आईडी है हमारे पास तो यस कर देते हैं। यस करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपको फैमिली आईडी नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहां पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको ओके करना है, जो ओटीपी आपके पास आया है वो यहां पर आपको फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए अब आप इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर जो डॉक्यूमेंट प्रिंट का ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका पूरा जो प्रिंट है आपके सामने पीडीएफ के तौर पर आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही बता दिया था कि ये जो ऑप्शन है अंदर से बाहर आने वाला है ताकि आपको समस्या न हो। अब दोस्तों बाहर से ही आप अपनी फैमिली वेरिफिकेशन डिटेल चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी इनकम ज़्यादा वेरीफाई है, इनकम अगर ज़्यादा वेरीफाई है यहाँ पर अगर 1,80,000 से अगर आपकी इनकम जो है वो ऊपर है तो यहीं से आप अपनी जो ग्रीवेंस है इनकम ग्रीवेंस पर क्लिक करके यस पर क्लिक करके आप तुरंत अपनी इनकम की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको यस कर देना है, बस इतना ही काम है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी फैमिली की डिटेल दिखाई जाएंगी। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो बिल वाली समस्या है उसके लिए ग्रीवेंस का आइकन यहां पर है, आपको क्लिक करना है और शिकायत लगा देनी है। इससे संबंधित दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है, इस जो बिल वाली समस्या है इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहां से आगे आपको शिकायत कैसे लगानी है उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों ये जो शिकायत है आप यहां से लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम वेरीफाई होगी तो यहाँ पर एक्शन का बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से आप शिकायत उसकी नहीं लगा सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर किसान आपकी जो फसल है फसल के कारण यानी किसान के कारण अगर आपका जो राशन कार्ड है वो कटा है या नहीं बना है तो यहीं से आप अपनी शिकायत है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीवेंस का आइकन आपको दे दिया गया है जो किसान वाली समस्या थी, क्योंकि दोस्तों जो ग्रीवेंस का ऑप्शन पहले दिया गया था वो कुछ टाइम के लिए ही दिया गया था क्योंकि दोस्तों जो साइट है उसके अंदर अपडेट चल रही थी इसके कारण ये ऑप्शन हटा दिया गया था। अब आपको जो ऑप्शन है वो फिर से दे दिया गया है और दोस्तों यहां पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत डाल सकते हैं। इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, किसान वाली जो फसल वाली समस्या है उससे संबंधित में मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिए और यहां पर आने के बाद आगे क्या प्रोसेस है उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी आईटीआर वाली समस्या है उस समस्या का भी समाधान मैंने बना रखा है यानी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों धीरे धीरे करके मैं आपके लिए और भी अच्छी और बेहतर वीडियो जो भी बची हुई हैं वो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपके सामने
जो प्राइवेट इंडस्ट्री एम्प्लॉय अगर आपको दिखाया गया है तो उससे संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपकी सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह कर देगा। आपको इनकम की रिक्वेस्ट डालने के लिए भी दूसरी जगह नहीं जाना होगा, इनकम की रिक्वेस्ट भी यहीं से डाल सकते हैं अगर आपकी इनकम 1,80,000 से अधिक वेरीफाई है। दोस्तों इसके बाद अगर आपके सामने कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि आपका बिल के कारण या फिर दोस्तों फसल के कारण या फिर आपने ITR फाइल किया था इसके कारण आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं इसके कारण या कोई और समस्या आपको दिख रही है तो इसी जगह से आप अपनी जो शिकायत है उसे दर्ज करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और जैसे ही अथॉरिटी से चेक करती है तो अगर आपकी जो डिटेल आपने फिल की है अगर वो सही पाई जाती है तो आपकी जो समस्या है वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगी और जो आपका राशन कार्ड है वो बन जाएगा। दोस्तों तो दोस्तों यही अपडेट आपको देनी थी कि जो ऑप्शन था अंदर रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस अब वो बाहर डाल दिया गया है और अब यहाँ पर आकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में इतनी अपडेट हुई है, इतना ही बदलाव हुआ है कि जो आपको फैमिली वेरिएशन डिटेल वाला ऑप्शन था वह पहले आपको अपडेट फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में जाकर लॉग इन करने के बाद आपको सिटीजन लॉग इन वाले आइकन पर मिलता था, लेकिन दोस्तों अब वह बाहर ही सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पर ही आपको दे दिया गया है। वहीं से आपको लॉग इन करना है, केवल वही ऑप्शन है और वहां पर जाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो इनकम से संबंधित हो, आपकी इनकम ज्यादा दिखा दी गई है लोकल कमेटी द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आपका ऐसा कोई डेटा उठा लिया गया है तो उस समस्या का भी आप समाधान कर सकते हैं अगर आपकी समस्या इनसे संबंधित है, यानी चाहे बिजली बिल हो कुछ भी जो समस्या है आप उसका यहीं से समाधान अब कर सकते हैं। ग्रीवेंस का आइकन आपको दे दिया है, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस जैसे ही आपकी ग्रीवेंस डालने के बाद जो आपकी शिकायत है अगर वह अप्रूव हो जाती है, पास हो जाती है तो दोस्तों आपका आयुष्मान कार्ड भी बनेगा और आपका कटा हुआ BPL कार्ड भी दोबारा से चालू हो जाएगा, अगर नहीं बना था तो दोबारा से बन जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए है या कोई जानकारी चाहिए है या अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत आ रही है इस ऑप्शन को यूज करने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं उनमें आपको क्या कमी नजर आती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं, और किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।